हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद। तो आज की वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए HNBU MPET प्रीवियस ईयर पेपर 2021 2000। हम बात कर रहे हैं HNBU यूनिवर्सिटी का 2021 का MPET का पेपर, जो कि लास्ट टाइम हम बोल सकते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी सब ने अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कराना स्टार्ट कर दिया। तो ये पेपर मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन 2021 HNBU यूनिवर्सिटी। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि आने वाले 2024 में किस किस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु सेड फिजिकल एजुकेशन इज़ दी सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस। मैं आपको की पॉइंट्स बताऊंगा याद करने का तरीका। दोज एक्सपीरियंस विच कम टू दी इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट्स। किसने कहा शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का योग है जो व्यक्ति को गति के माध्यम से प्राप्त होते हैं। दोज एक्सपीरियंस दिख जाए, जहाँ भी दोज एक्सपीरियंस की बात हो, मैं जितनी भी डेफिनेशन है फिजिकल एजुकेशन की, जो आपके एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम में आती है, उसकी एक मैं सीरीज बनाऊंगा। जब आपको दोज एक्सपीरियंस दिख जाए ना, तो आपको लगाना है ऑटेवर नाम का एक व्यक्ति था, इन्होंने जो है ये डेफिनेशन दी थी फिजिकल एजुकेशन की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है टू। क्वेश्चन नंबर टू है, हु फाउंडेड दी YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एट मद्रास। मद्रास के अंदर YMCA कॉलेज की जो स्थापना करी थी वो किसने करी थी। ये फिक्स क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो HC बक ने करी थी 1920 में। कभी वो डेट पूछता है, कभी फाउंडर पूछता है, कभी इसकी फुल फॉर्म पूछता है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन। और ये इन्होंने मद्रास लिख रखा है, चेन्नई को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। तो कैसे भी क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकता है। YMCA जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये किस कंट्री की देन है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे, अगर आप चाहते हैं इस टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सर्च करके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री पर बात करेंगे। थ्री क्वेश्चन है हमारा, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन एट अ सबटलर जॉइंट्स ऑकर इन। प्रोनेशन और सुपिनेशन जो मूवमेंट है वो किस प्लेन के अंदर होता है, पहला क्वेश्चन, किस ज्वेंट में होता है, दूसरा क्वेश्चन, कौन सी मसल करवाती है, तीसरा क्वेश्चन, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। याद रखना एक चीज़, मैं आपको बता देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन पे लिख लो सारे लोग। अगर आपको जितने भी रोटेटरी मूवमेंट देखते हैं, कहीं भी घूमने वाले मूवमेंट देखते हैं, तो आपको आँख बंद करनी है और ट्रांसवर प्लेन लगा देना है। ट्रांसवर प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल प्लेन लगा देना है। ये इसका क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो प्रोनेशन सुपिनेशन, जो आप अपनी रिस्ट को, हाथ को, पाम को ऐसे घुमाते हैं, फेस अपवर्ड, जिसको हम बोलते हैं सुपिनेशन। पाम का जो फेस डाउनवर्ड हो जाता है टुवर्ड अर्थ, तो उसको हम बोलते हैं प्रोनेशन। सेम बॉडी में होता है, तो सुपिनेशन प्रोनेशन जब भी मूवमेंट दिखेगा, जैसे मैं बात को रिस्ट को मूव कर रहा हूँ, घुमा रहा हूँ, तो ये सब किसके अंदर आएगा, आपका ट्रांसवर प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, याद रखें इस बात को। आगे बढ़ते हैं, छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, द ओलंपिक फ्लैग वाज द फर्स्ट होस्टेड इन विच ओलंपिक गेम्स। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले किस, हम बोल सकते हैं किस ओलंपिक में फहराया गया था। आंसर इज सी, 1920 एंटवर्प ओलंपिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और फिक्स क्वेश्चन, हमेशा आपको एंट्रेंस एग्जाम और वनडे एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपने देखा होगा जो ओलंपिक फ्लैग होता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा, ओलंपिक फ्लैग जो होता है इस तरीके का आपने देखा होगा, और उसमें पांच रिंग देखी होंगी इस तरीके की आपने, जो W का शेप बनाती है, पहला क्वेश्चन बनता है। और ये जो पाँचों रिंग हैं, ये एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। कॉन्टिनेंट मतलब होता है महाद्वीप को रिप्रेजेंट करती हैं। और टोटल कलर की बात करें, टोटल कलर की बात करें, तो आपको सिक्स लगाने हैं।
और रिंग के कलर की बात करें, रिंग का जो कलर है, तो रिंग कलर की बात करें तो आपको लगानी है वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड जो है फ्लैग का वो वाइट है, बाकी रिंग के 5 कलर हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड द बेसिस फॉर प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मूवमेंट्स इफ मास इज कॉन्स्टेंट। न्यूटन की गति का नियम कौन सा है गति के संरचना सिद्धांत को आधार प्रदान करता है। मैंने न्यूटन्स के तीनों नियम बताए, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्सिया, सेकेंड लॉ ऑफ एक्सलेशन, थर्ड रिएक्शन एक्शन। तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मुझे इसका जवाब चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 क्वेश्चन है, जलंधर बंद इज एग्जीक्यूट एट विच पार्ट ऑफ बॉडी। जलंधर बंद शरीर के किस अंग पर किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, आंसर इज नेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है 7। एल्बो फ्लेक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये क्वेश्चन जो है इसमें डाउट है, डाउट मतलब ये क्वेश्चन की डेफिनेशन सही नहीं है। एल्बो फ्लेक्शन जब हम करते हैं तो एल्बो फ्लेक्शन किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, हमें उसका रेफरेंस लेना है तभी हम उसको पहचान पाएंगे। अगर हम कॉमन की बात करें, जैसे कि अभी मैं जब बाइसेप्स कर रहा हूँ तो इसमें भी एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है, मैं ओवरहेड एक्सटेंशन करूँगा तो उसमें भी हमारा एल्बो फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगा। तो ओवरऑल मिला के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इसने ये बोला है एल्बो फ्लेक्शन, तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ क्लिक करनी है कि ये अपने हाथ को मोड़ने की बात कर रहा है, एल्बो को फोल्ड करने की बात कर रहा है। तो याद रखना इसका आंसर क्या है, एल्बो फ्लेक्शन जब हम करते हैं कौन सा इसमें लीवर लगेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो सारे लोग, इसमें लगेगा लीवर थर्ड क्लास। अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा याद करने की, इसको हम बोलते हैं फार, फरा और रफा। फार मतलब फर्स्ट क्लास, फरा मतलब सेकंड क्लास, रफा मतलब थर्ड क्लास। तो फर्स्ट क्लास में जो है आपका A4 एक्सिस मिड में रहता है, सेंटर में रहता है, R4 रेजिस्टेंस मिड में रहता है, फोर्स आपका मिड में रहता है थर्ड क्लास में। तो एक एक चीज याद कर लो और जो आपके जो लीवर हैं वो क्लियर हो जाएंगे। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका मैकेनिज्म समझाया है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, बायो मैकेनिक्स के फोल्डर में जाएंगे तो आपको शायद ये देखने को मिल जाएगा। कोटारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन, कोटारी आयोग का गठन कब किया गया था। आंसर इज बी 14 जुलाई 1964। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9, इन विच टाइप ऑफ लीवर रेजिस्टेंस आर्म एंड फोर्स आर्म मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। किस प्रकार के लीवर में प्रतिरोध भुजा और बल भुजा विपरीत दिशा में गति करते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से, जो बच्चे जो झूलते हैं आपने देखा होगा, तो ये जो है आपने देखा है जैसे हम एक दूसरे को बैलेंस करते हैं तो वो डिपेंड करता है उसकी बॉडी का जो फोर्स जो लगा रहा है, जो रेजिस्टेंस जो लगा रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ये एक अपने आप में क्या हो गया, फर्स्ट क्लास का लीवर हो गया, आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, जस्टिस वर्मा कमीशन वाज फॉर्म फॉर रिकमेंडेशन ऑन। जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किसकी सिफारिश के लिए किया गया था, तो टीचर एजुकेशन, इस पर लिख लो सारे लोग इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, द मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक्स फ्रैक्शन एट दी वर ऑफ स्लाइडिंग इज कॉल्ड। फिसलने के कगार पर स्थित घर्षण का अधिकतम मूल्य कहाँ होता है, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रैक्शन। यस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर भी आप सब लोग लिख लेना, ये मैंने 2 बार क्वेश्चन देखा है। आगे बढ़ते हैं, एंट्रेंस एग्जाम वन डे एग्जाम है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो रियर केस में आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ क्रायोथेरेपी। निम्नलिखित में से कौन सी क्रायोथेरेपी का संकेत नहीं है। तो सबसे पहले क्रायोथेरेपी को हम समझते हैं, क्रायो मीन्स आप ऐसे समझो कि ठंडे की बात कर रहा है, कोल्ड की बात कर रहा है, और क्रायो मीन्स आइस समझो आप, आइस। तो इसका संकेत नहीं है, मीन्स हम क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल कहाँ नहीं करते हैं,
ये क्वेश्चन बोल रहा है अपने आप में। तो याद रखना 24 से और 48 घंटे के बीच की जो इंजरी होती है उसमें हम जो आइस का इस्तेमाल करते हैं, क्रायोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करता है इंजरी किस लेवल की है। वैसे बेसिकली स्प्रेन स्ट्रेन इंजरी पर हम इसका यूज़ करते हैं। तो देखो एक्यूट पर करेंगे, क्रोनिक पर नहीं करेंगे। तो इसमें से बोला है कि क्रायोथेरेपी का संकेत नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पर एरर हैं। उसके बाद एक्यूट क्रोनिक मसल्स स्पाज्म, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल यहाँ पर एरर है, ठीक है ना। मसल स्पाज्म क्या होता है, जैसे कि आप सब लोगों ने सुना होगा टेटनेस की जब प्रॉब्लम होती है, टेटनेस जब होता है तो उस जगह पर टेटनेस होता है, मसल जहाँ भी कट जाए फट जाए तो उस पूरे एरिया की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। मसल्स क्या बोलती है, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिलैक्सेशन भी होगा, तो वो वन टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट रह जाती है और उस जगह पर कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई सेंसेशन नहीं होता है, कोई इम्पल्स नहीं होते, कोई मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसीलिए टिटनेस की बीमारी जो है ख़तरनाक होती है, तो ये भी नहीं है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन, बिल्कुल ये तो है, बिल्कुल यहाँ पर भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्रायोथेरेपी का, इसमें बोला नहीं है। डिक्रीज कोल्ड सेंसिटिविटी, आपको पता है आप सपोज दैट आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं, J&K में रहते हैं आप, और वहाँ पर रहते हैं आप द्रास में, तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक अपने आप में नेगेटिव टेम्परेचर रहता है, पहले से ठंडा है। अगर आपको वहाँ पर कोई इंजरी होती है क्या आप वहाँ पर आइस का इस्तेमाल करेंगे, नहीं, आपको वहाँ पर पहले से ही आपकी मसल कॉन्टैक्ट पोजिशन में, तो वहाँ पर हम आइस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, याद रखें इस बात को, ठीक है ना। तो डिक्रीज कोल्ड सेंसिटिविटी, ठंड संवेदनशील में कमी अगर पहले से ही है और आप आइस का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल, तो यहाँ पर हम जो है ये जो है हमारा संकेत इंडिकेट नहीं है, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो है हम पहले से जो कोल्ड इन्वायरमेंट है, मसल जो पहले से ही हमारी कॉन्ट्रैक्शन लेवल में जा चुकी है, ठंड की वजह से सुकड़ चुकी है, आर्टरी वेन सुकड़ चुकी है, तो हम वहाँ पर आइस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बट इस क्वेश्चन में पूरा एरर है, क्योंकि यहाँ पर एक्यूट और मसल स्पाज्म दे रखा है, ये भी दे रखा है और इसमें ये भी दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में एरर है। बट मैंने आपको हर क्वेश्चन का एक तरीका बता दिया कि क्या क्वेश्चन कैसे बनता है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं। बॉक्सर मसल जी, आजकल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्सर मसल किसे बोलते हैं। आंसर इज सेरेटस एंटीरियर। ये जो चेस्ट होता है, चेस्ट के जस्ट नीचे हमारी मछली टाइप की जो इंडिकेट जो है मसल दिखेगी आपको, बॉडी बिल्डर की देखने को मिलती है, सेरेटस मसल्स बोलते हैं। अगर ये सेरेटस एंटीरियर मसल्स नहीं होगी, आपको फर्स्ट टाइम क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो याद रखना डेल्टर मसल भी जो है आपकी इसको बोलते हैं बॉक्सर मसल्स के अंदर इंक्लूड हो जाती है। जब आपको सेरेटस एंट्री नहीं दे रखी है, नॉन ऑफ दीज का ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो आप डेल्टर लगा देंगे, शोल्डर मसल्स लगा देंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन द स्टेज ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ हेल्थ व्हाट कम्स इन बिटवीन फ्रीडम ऑफ डिजीज एंड माइल्ड डिजीज। कहने का मतलब है स्वास्थ्य के स्पेक्ट्रम चरणों में रोग से मुक्त हल्के रोग के बीच का जो क्या आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं टॉलरेंस सिकनेस। बीमारियों से जो लड़ने की जो आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कुछ क्वेश्चनों में एरर है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। 15 क्वेश्चन है, अ मसल विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एक्शन इज कॉल्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने सारे क्वेश्चन बताऊँ इससे रिलेटेड। इसने बोला है जब मांसपेशी कार्य करती है, जब वो सुकड़ती है या कोई मूवमेंट करती है, तो उसने बोला है स्पेसिफिक एक्शन, जो पर्टिकुलर मूवमेंट्स कर रही है उसको हम बोलते हैं प्राइम मूवर। अब प्राइम मूवर क्या होता है, जो प्राइम मूवर होता है उसी को हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। एगोनिस्ट मसल, इसका जो अपोजिट होता है, अपोजिट की हम बात कर रहे हैं, उल्टा, इसका अपोजिट जो होता है वो होता है एंटागोनिस्ट। तो प्राइम मूवर मसल अगर मैं बात कर रहा हूँ, प्राइम मूवर इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने कोई रेफरेंस नहीं दे रखा है कि एक मसल जो मूवमेंट कर रही है, तो अब मूवमेंट कर रही है तो नी का रेफरेंस है, एल्बो का रेफरेंस है, कहाँ का रेफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं बोला है। बट हम इसको समझ सकते हैं, जब भी कोई मसल जो मूवमेंट करती है प्राइमरी डायरेक्ट तरीके से इन्वॉल्व होती है
टारगेट मसल होती है उसी को हम बोलते हैं प्राइम मूवर। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप बाइसेप्स कल कर रहे हैं, आप बाइसेप्स कल कर रहे हैं, बाइसेप्स कल बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। बाइसेप्स कल का मतलब होता है जिम में आप ऐसे करते हैं ना, डंबल कल, बाइसेप्स कल। तो जब हम जिम के अंदर जाते हैं तो बाइसेप्स कल करते हैं, तो ये मैं मूवमेंट जो कर रहा हूँ अपनी एल्बो को ऊपर लेकर जा रहा हूँ, तो वो आपकी बाइसेप मसल्स इस मूवमेंट को करवा रही है, इसी को हम बोलते हैं प्राइम मूवर मसल। और इसका उल्टा जो होता है उसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो ये मत सोचना कि हमेशा उसका उल्टा, अगर मान लो बाइसेप्स का रेफरेंस लिया तो मैंने जो है बाइसेप्स को प्राइम मूवर और एगोनिस्ट और ट्राइसेप्स को एंटागोनिस्ट। तो थाई लिया मैंने तो थाई का मैंने बोल दिया इसको, फ्रंट थाई को मैंने बोल दिया एगोनिस्ट और पीछे को एंटागोनिस्ट। ये तो आप इजीली तरीके से पहचान लेंगे। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपसे पूछूंगा। तो बाइसेप्स मसल यहाँ पर हो गई एगोनिस्ट, ट्राइसेप्स हो गई एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट मीन्स होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट करना, प्राइम मूवर मसल्स में मूवमेंट करवाना, जो मूवमेंट कर रही है रेस्पॉन्सिबल मसल है उस मूवमेंट को करने के लिए। जैसे एल्बो फ्लेक्शन हो रहा है तो एल्बो फ्लेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल मसल कौन सी है, आपकी बाइसेप मसल। अगर आप एल्बो एक्सटेंशन कर रहे हैं, एल्बो को खोल रहे हैं, तो आपकी कौन सी मसल है जो है मूवमेंट करवा रही है, जो खोल रही है, वो है ट्राइसेप मसल। तो याद रखना इस मूवमेंट को। अब उसके बाद मैं आपको यही बता देता हूँ सिनर्जिस्ट क्या होती है। आपको पता है लड़ाई जब होती है दो बंदों में, तो एक लड़का कमजोर होता है तो वो किसी से सहारा लेता है, वो बोलता है चल मैं हूँ टेंशन मले, तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो सिनर्जिस्ट जो मसल होती है, जब भी हम कोई मूवमेंट करते हैं तो सिनर्जिस्ट मसल होती है उनको हम बोलते हैं असिस्ट मसल। असिस्ट का मतलब होता है सपोर्ट करने वाली। अगर मैं बाइसेप्स कर्ल कर रहा हूँ जिम के अंदर जाके, आप कहीं भी करते हैं बाइसेप्स या फ्लेक्शन एक्सटेंशन करते हैं, तो मैं फ्लेक्शन मूवमेंट कर रहा हूँ तो मसल रेस्पॉन्सिबल है फ्लेक्शन करवाने के लिए बाइसेप्स। अगर इसकी जब सिनर्जिस्ट मसल पूछता है, असिस्ट मसल पूछता है, तो ब्रैकियोरिडलिस मसल्स है। नोट कर लेना ब्रैकियोरिडलिस मसल्स। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है, अगर आप बायोमैकेनिक्स अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आप जवाब दे देंगे, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। अगर मैं ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहा हूँ, ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहा हूँ, तो इसकी प्राइम मूवर मसल या हम बोल सकते हैं इसकी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट मसल कौन सी है, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरी तरफ से आपको, अगर इस क्वेश्चन का आप जवाब देते हैं तो मेरी तरफ से आपको 5 टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। इस क्वेश्चन का जवाब देना आप। आगे बढ़ते हैं, चैलेंज कर दिया मैंने क्योंकि आपके सामने कई सारे एग्जाम हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ वैक्सीन फॉर COVID-19 पेंडेमिक। COVID-19 जो महामारी का जो टीका नहीं, इसने पूछा है, तो इसमें जो है कोविशील्ड तो सब लोगों को पता है, कोवैक्सीन पता है, एस्ट्राजेनिया ये भी पता है, ये जो है रेमडेसिविर ये नहीं है। एक और क्वेश्चन बताऊंगा, व्हाट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक, एंडेमिक, एपिडेमिक, ये 3 वर्ड हैं, बीमारियां जो स्प्रेड्स होती हैं, फैलती हैं इस दुनिया के अंदर, लोगों के अंदर, तो 3 प्रोसेस से गुजरती है, पेंडेमिक, एपिडेमिक और एंडेमिक। तो पेंडेमिक के बारे में आपको बताता हूँ। पेंडेमिक मीन्स होता है जो ग्लोबल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में बीमारी फैल जाए, जैसे कोविड, एड्स, ये पूरी दुनिया में फैल चुकी है, तो ऐसी बीमारी को पेंडेमिक बोलते हैं। और एपिडेमिक, एपिडेमिक किसे बोलते हैं, कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है 17। व्हाट आर ऑफन कॉल्ड प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल। ये क्या है, फर्स्ट टाइम आप इसका यूज कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे। प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल की जब मैं बात करता हूँ, ये क्या है, ये ओवरऑल हम जब न्यूट्रिशन के अंदर पढ़ते हैं तो इसको हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की जब मैं बात करूँ तो इसके अंदर आते हैं प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, इन्हीं को मिला के हम प्रॉक्सिमेटेड प्रिंसिपल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारा 18 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन को टच करेंगे। 18 क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी डिड रवि कुमार दहिया वॉन सिल्वर मेडल ऑन रेसलिंग मैंस टोक्यो ओलंपिक 2020। 2020 में जो दहिया थे उन्होंने कितनी कैटेगरी में जो है लड़ाई लड़ी थी,
आंसर इज 57 फ्री स्टाइल। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रवि कुमार दहिया, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इनकी वेट कैटेगरी आप लिख लो एक पेज में, ये क्वेश्चन में फिक्स है। नीरज चोपड़ा ने कितना जेवलिन फेंका, ये सब फिक्स क्वेश्चन है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। आते हुए भी हम भूल जाते हैं क्योंकि हम इनको रिवीजन नहीं करते, ये चीज़ ऐसी है बार बार फिर रिवाइज करते देखते तभी याद होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको याद रहता है, हम भी भूल जाते हैं, हमें भी देखना पड़ता है। इस दुनिया में जितने भी लोग, जो रिवीजन करेगा, टच में रहेगा, बार बार वही चीज़ों को इम्प्रूव करता चला जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन की बात करूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉल्ड अ प्रेशर मैनिपुलेशन। इस क्वेश्चन में एरर है। प्रेशर मैनिपुलेशन हम बात कर रहे हैं कि दबाव हस्तकौशल कहा जाता है, तो उसके अंदर नीडिंग भी आती है और फ्रैक्शन भी आता है, तो ये क्वेश्चन में एरर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 20। इन ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स विच ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर चेकिंग द एथलीट्स ऑफ टेक ओवर जोन इन रिले। जब रिले रेस होती है तो कौन चेक करता है, कौन मेंबर होता है, तो वो एम्पायर होता है। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 क्वेश्चन है, हु वाज़ द फर्स्ट अर्जुन अवार्ड इन क्रिकेट। क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड लेने वाले पहले व्यक्ति, पहले विजेता कौन थे? सलीम दुर्रानी। क्रिकेट लिख लो, बास्केटबॉल लिख लो, फुटबॉल लिख लो, एथलेटिक्स लिख लो, चार क्वेश्चन लिख लो और सारे के सारे एग्जाम में ये चारों क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे 22 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन द क्लास इंटरवल इज ओपन एट एनी बोथ द एंड्स एंड विच मेजर सेंटर ऑफ टेंडेंसी। जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी दिख जाए, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी दिख जाए, इसको हम बोलते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, MCT के नाम से इसको जानते हैं। और इसके अंदर आता है मीन, मीडियन, मोड, इन तीनों को मिला के हमारा बनता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बट इसने पूछा है कि कौन है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज्ड व्हेन इंटरवल ओपन एंड एनी और बोथ एंड्स, तो मीडियन, और मीडियन मिड पॉइंट की बात करता है, मीडियन मिड पॉइंट की बात करता है, मीनियन जो मीन जो है एवरेज की बात करता है, मोड जो है फ्रीक्वेंसी की बात करता है, कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। मैं जल्दी स्टैटिस्टिक्स पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर लूंगा। 23 क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स डज नॉट प्रोवाइड टाइम आउट। ये तो सब लोगों को पता है, तो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, कमेंट करके बताना। ये मैंने हर एग्जाम में, हर पेपर में देखा है और हर बार बताता हूँ, तो प्लीज कमेंट करके बताएंगे ये मैंने जो टिक लगा रखा है या किसी ने टिक लगा रखा है ये सही है गलत है, जवाब देंगे इसका। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, रैंडम सैंपलिंग। सैंपलिंग दीज आर टू टाइप्स, सैंपलिंग दो प्रकार की होती है, हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम, नॉन रैंडम सैंपलिंग या रैंडम सैंपलिंग के नाम से भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रैंडम सैंपलिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो कोटा जो है वो नहीं है, बाकी ये दोनों रैंडम है। और ये क्वेश्चन नोट कर लेना, ये फिक्स क्वेश्चन मिलेगा, रिसर्च से या स्टैटिक्स से क्वेश्चन उठाया जाएगा, ये जरूर मिलेंगे आपको, पता नहीं इनको ये क्वेश्चन मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, विच प्रैक्टिस रिकमेंडेड इमिडिएटली आफ्टर आ प्रैक्टिस ऑफ जल नीति। भाई जल नीति करते हैं, आजकल योगा इतना स्प्रेड हो चुका है, हर कोई योगा कर रहा है। हमारे थर्ड या सेकेंड सेमेस्टर में योगा होता है और आपको एक अलादीन का चिराग जो आपने देखा हो वो लेकर जाते हैं और नाक में डालते हैं, उसके बाद क्या करते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, आपको कमेंट करके बताना। मैंने आपको इंडिकेट कर दिया, अगर जिसने भी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का ट्रायल दिया होगा योगा के लिए, तो वो ट्रायल में क्या क्या चीज़ें लेते हैं उसके बाद वो करवाते हैं, तो इसका जवाब आप देंगे, इसका जवाब आप देंगे। आगे बढ़ते हैं, 26 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ फाइब्रस जॉइंट्स। फाइब्रस जॉइंट्स को किस नाम से जाना जाता है, इसकी ट्रिक है SAD। एस मीन्स है सेनेथ्रोसिस, सेनेथ्रोसिस। ए मीन्स है एम्पेथ्रोसिस, डी मीन्स है डायथ्रोसिस। तो फाइब्रस मीन्स होता है फिक्स जॉइंट, फिक्स मतलब नो मूवमेंट, नो कैविटी, नो मूवमेंट, कुछ भी नहीं है, अपनी जगह पर फिक्स है, तो फाइब्रस जॉइंट्स का एग्जांपल है, तो उसको हम बोलते हैं सेनेथ्रोसिस जॉइंट्स। आंसर इज बी, सेनेथ्रोसिस जॉइंट।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच सिस्टम प्रोटेक्ट डीप टिश्यू फ्रॉम इंजरी, कौन सी प्रणाली गहरे ऊतकों को चोट से बचाने का कार्य करती है? तो आंसर इज सी, इंटीगुमेटरी सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं जो जो स्किन जो होती है, एट्रमिस एपिडर्मिस जो होती है, मसल्स जो होती है, लेयर होती है, वो हमारी बहुत मदद करती है। आगे बढ़ते हैं, ये भी एक सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, लीग टूर्नामेंट में कितने बाय दिए जाते हैं? जब बाय, देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है हाउ मेनी बाय आर अवार्डेड इन लीग टूर्नामेंट्स व्हेन सिक्स टीम आर पार्टिसिपेटेड। अगर ए सिंगल बोलते, डबल बोलते, सिंगल लीग, डबल लीग, तो हम इसको पहचानते और करने का प्रयास करते, वैसे इसका जीरो आंसर आएगा और ये इस क्वेश्चन में एरर है, तो क्लियर नहीं कर रखा है, तो इसमें मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज द डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग मेथड, निम्न में से कौन सी स्टेट पड़ती है जो लोकतांत्रिक शैली के नाम से जानी जाती है? डिस्कशन एक मेथड ऐसा है जो जिसमें लोकतांत्रिक जो पद्धति को हम देते हैं, बाकी अगर हम देखा है यहाँ पर ये तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेक्चर है, डेमोस्ट्रेशन है, ये डिस्कशन है, ये एक अपने आप में उसी का हिस्सा है। नियरेस्ट की हम बात करें टीचिंग के अंदर, डेमोस्ट्रेशन जो होता है ये भी, इसके लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, इसके लिए हम लेक्चर के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है, बट परमिशन लेनी पड़ रही है तो ये भी एक अपने आप में लोकतांत्रिक का हिस्सा है। जब परमिशन नहीं है, तानाशाही है, तो आप समझ सकते हैं ऑटोक्रेसी सिस्टम बोल सकते हैं, मोनार्की सिस्टम बोल सकते हैं उसको, राजाशासन बोल सकते हैं। तो डिस्कशन एक अपने आप में चर्चा जो बनती है वो शिक्षण पद्धति का, लोकतांत्रिक शैली का हिस्सा माना जाता है। अपनी बात रखने का अधिकार आप सब लोग जानते हैं, आर्टिकल 90। नेक्स्ट हम बात करते हैं 30 क्वेश्चन है, इन दी फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड ट्रैक, फार्टलेक इज अ टर्म, तो जो फार्टलेक जो ट्रेनिंग हम इस्तेमाल करते हैं अपनी खेल के क्षेत्र में, इस ये जो है स्वीडिश से लिया गया, और फार्टलेक ट्रेनिंग जो है इसको स्पीड प्ले के नाम से जानते हैं। फार्टलेक मीन्स होता है, फार्टलेक में क्या होता है, इसमें हमारा पेस जो होता है, हमारा जो पेस जो होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, और इंक्रीज डिक्रीज होगा तो स्पीड भी बढ़ाएंगे, कम भी करेंगे, पहाड़ों पर चढ़ जाएंगे, पहाड़ों से उतरेंगे, गलियों में कूद जाएंगे, जंगलों में दौड़ेंगे, समुद्र के दाएं दौड़ेंगे, चंबल पर दौड़ेंगे, रेती पर, बालू पर, हर जगह हमें जहाँ जहाँ मौका मिलता है, फार्टलेक मीन्स यही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्प्लिट हाफ, ये भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन पर लिख लो आप इम्पोर्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, उसको हम रिलायबिलिटी बोलते हैं, रिलायबिलिटी, कोई भी चीज़ कितनी रिलायबल है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 32 क्वेश्चन, सर्किट ट्रेनिंग मेथड वाज डेवलप बाई विच टू पीपल्स, किसके द्वारा ये दिया गया था? तो आर ई मॉर्गन और जी टी एडमसन नाम के दो व्यक्ति, उन्होंने दिया था। सर्किट ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूं, 8 से 10 स्टेशन सेट किए जाते हैं, डिपेंड करता है खिलाड़ी की कंडीशन क्या है, खिलाड़ी किस गेम का है, खिलाड़ी का ट्रेनिंग कंपोनेंट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हम सेट तैयार करते हैं। ये नहीं कि सारे आठों के आठों सेट हमने फ्लेक्सिबिलिटी के लगा दिए, या स्ट्रेंथ के लगा दिए, या कोऑर्डिनेशन के लगा दिए, या स्पीड के लगा दिए, या कोर फिटनेस के लगा दिए। तो याद रखना, खिलाड़ी को देखते हुए, खिलाड़ी के कंपोनेंट को देखते हुए इसके स्टेशन को सेट किया जाता है, नोट कर लेना अच्छी तरीके से, ये फिक्स क्वेश्चन है, आपके एंट्रेंस एग्जाम बहुत बार मिलता है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, 33 क्वेश्चन है, इंडिया मोटर पेटेंट कब बनाता? 1943 में बनाता, ये क्वेश्चन में एरर है। आगे बढ़ते हैं, आपको पता है सारे पेपर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी एंड वनडे एग्जाम होते हैं, सारे पेपर आपको पता है इसी प्लेटफॉर्म में मिलेंगे, ये बात आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 34, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो इस पर तो मैं डिस्कस ही नहीं करूँगा। आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन, द मेन ड्यूटी ऑफ मार्शल इन अ एथलेटिक्स मीट, तो सुपरवाइजर जो होता है ऑफिसर, उसका काम होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 36 क्वेश्चन है, इन अ लर्निंग कर्व जनरली द प्लेटू इज फॉलोड बाय अ पीरियड ऑफ फर्दर एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, आपने देखा होगा प्लेटू मतलब भटारा जाना, अब कुछ नहीं होने वाला, ना परफॉर्मेंस बढ़ेगा ना घटेगा, एक जगह पर स्टेबल हो गया, फिर एक स्टेज आती है जो इंक्रीज की लेवल में जाती है, उसको हम बोलते हैं इनिशियल सपोर्ट बोलते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37. व्हाट कम्स इन प्रीनेटल स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? वृद्धि और विकास के पूर्ण चरणों को क्या बोलते हैं? तो वो जायगोट भी होता है, एम्ब्रियो भी होता है, फीटस भी होता है, ऑल ऑफ दीज एबव हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. 38 क्वेश्चन है, एडोलसेंस जो वर्ड है वो किस भाषा से लिया गया है? ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे. साइकोलॉजी किस भाषा से ली गई, बायोमैकेनिक्स किस भाषा से ली गई, एनाटॉमी किस भाषा से ली गई और सोशियोलॉजी किस भाषा से ली गई. ये सारे वर्ड्स आप लिख लेना है. मैंने अपने जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो ग्रुप हैं मैंने उनमें ये सारे क्वेश्चन शेयर कर रखे हैं. लगभग 20 से 25 क्वेश्चन है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो हमने ये लैटिन वर्ड से लिया गया और इसका मतलब होता है ग्रो मैच्योरिटी. इसका मतलब होता है ग्रो मैच्योरिटी. आ जाओ, परिपक्वता को बढ़ावा देना, बढ़ाना. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज रूटेड. देखो ये दो तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. व्हाट इज द फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स? तो प्रैग्मेटिज्म आता है. अब यहाँ पे फिलॉसफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम इज रूटेड, तो तीनों में इसकी चर्चा देखने को मिलती है. इसमें हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज एबव. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 40 क्वेश्चन. 40 क्वेश्चन है कि पर्सनैलिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दीज साइकोफिजियल सिस्टम. इसको नोट कर लो. की पॉइंट से हम डेफिनेशन की पहचान करते हैं. किसने कहा था, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोसारिक प्रणाली का गतिशील संगठन है जो पारानव व्यक्ति के अद्वितीय समझन में निर्धारित करता है. तो अल्पोट नाम का एक व्यक्ति है, इसने साइकोलॉजी पे बहुत काम किया है, पर्सनैलिटी पे भी बहुत काम किया है. इसकी बुक है, आप वो भी पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से, टाइम है तो. नेक्स्ट है, वो डिफाइन दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, कि खेल के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत किसने परिभाषित किए, किसने परिभाषा दी? लुमले. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. ऑप्शन डी, कैसा नाम है. चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 42 क्वेश्चन है हमारा, पिकनिक, एथलेटिक्स, एस्थेनिक. क्लासिफिकेशन गिवन बाय, ये पर्सनैलिटी है, ये व्यक्तित्व है. ये किसके द्वारा दिया गया था? क्रेसवर्क के द्वारा दिया गया था. पिकनिक के बारे में बता दूं, पिकनिक को हम बोलते हैं रोबस्ट, पिकनिक को हम बोलते हैं एंडोमोर्फ, एंडोमोर्फ. पिकनिक जो है ये एक अपने आप में मोटू, थोलू, मोलू, गोल, मटोल, चाउमीन, पिज्जा, डोसा, इडली, सांभर खाने वाला होता है, अट्ठा खट्टा. ये वही आदमी है जो टूर में जाएगा तो बैग में चिप्स और पता नहीं क्या क्या भर भर के ले जाएगा, बिस्किट वगैरह, और फिर चुपचाप खाता रहेगा, दीवार के सारे बैठ जाएगा. ये बात आप अच्छी तरीके जानते हैं. मोटे आदमी जो होते हैं एक कोने में बैठेंगे और किसी मतलब नहीं खा रहे होंगे. चलो भाई आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा 43 क्वेश्चन है, वॉट क्रॉस वेवर टेस्ट मीन्स. जो क्रॉस वेवर टेस्ट है वो क्या मेजर करता है, उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है मिनिमम मस्कुलर स्ट्रेंथ को मेजर करना, और इसके अंदर 6 बैटरी होती हैं. 6 बैटरी मतलब 6 आइटम होते हैं. 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी, नोट कर लेना. अगर पूरी जानकारी लेनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, वहाँ पर ये वीडियो पड़ी हुई है, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट डस मैथनी जॉनसन टेस्ट. इंपॉर्टेंट लिख रखा है पहले से. मैथनी जॉनसन टेस्ट किस टाइप का टेस्ट है? मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट. मोटर एजुकेबिलिटी टेस्ट क्या होता है, मोटर टेस्ट क्या होता है, जनरल मोटर टेस्ट क्या होता है, जनरल मोटर फिट टेस्ट क्या होता है, फिजिकल फिट टेस्ट क्या होता है, इस सब में थोड़ा थोड़ा माइनर माइनर डिफरेंट है. तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना. अगर आपको इनमें डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम है, तो कमेंट करना, वीडियो बनाकर आपको शेयर कर दूंगा. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर है हमारा 45. इसमें से हमें ऑड निकालना है, ऑड निकालना है, अलग पहचान करनी है. DPTV एक वैक्सीन है, डॉट सी टीवी के लिए ठीक है, एड्रेनल भी एक अपने आप, तो ये एक अपने ब्लड ग्रुप है, तो ये एक अपने आप में यहाँ पर जो है ऑड दिख रहा है. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. 46 है, रोल ऑफ स्टैटिक्स इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछा है, सांख्यिकी की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण किसमें है? तो देखो स्टैटिक्स का जो मेन पर्पज जो होता है, एनालाइज करना, इंटरप्रेटिंग करना, ये एक अपने आप में कलेक्टिंग करना, ये स्टैटिक्स का काम होता है. तो उसी के अंदर आइडेंटिफाई वेरिएबल्स की पहचान करना. आ जाओ आगे बढ़ते हैं. 47 ट्रांजिशन पीरियड
का मतलब ही होता है ट्रांजिशन, मतलब रिकवरी में चले जाना, रिलैक्सेशन पोजिशन में चले जाना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें दो तीन क्वेश्चन गलत हैं, तो वो तो हर पेपर में रहते हैं, पैसा कमाने की टेक्निक है। क्वेश्चन गलत कर दो, 500 रुपये 200 रुपये चैलेंज करो, बहुत सारे करेंगे एक साथ, बहुत सारा पैसा आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कई बार हो भी जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, बट मोस्टली एनटीए तो हर बार करती है, 2 से 3 क्वेश्चन गलत करेगी और 500 रुपये या 1000 रुपये चालान होता है उसका। आ जाओ, नंबर ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, तो डिस्क्रीट वेरिएबल है। इस पर मैंने इस पर शायद एक वीडियो शेयर कर रखी है, मैं दोबारा से मॉडिफाई करके वीडियो शेयर करूँगा। जितने वेरिएबल होते हैं उससे रिलेटेड जो है, डिस्क्रीट क्या होता है, कंटिन्यूस क्या होता है, क्वालिटेटिव क्या होता है, इन सब पर मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा। 49 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लो, ये मैंने 2016 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में देखा, उसके बाद आज 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में देखा है कि 3 सिक्कों को चालने पर 1 हेड 2 हेड आने की प्रायिकता क्या है, तो 3/8 3/8 इसका आंसर है। इसको रट लो, हर एग्जाम में आपको मिलेगा, तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है और इसको रट लो। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रटने होते हैं, वो बार बार हमें मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमें रट लेना है। अब देखो 50 क्वेश्चन है आपका, एक टूर्नामेंट में 31 टीम भाग ले रही है, तो चौथे क्वार्टर में कितनी होंगी, 31 29 28। एक चार्ट बनाओ, नोट कर लो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है निकालें, आप निकालेंगे फिक्चर डालेंगे, फिक्चर बनाएंगे, राउंड निकालेंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा। याद रखना इस क्वेश्चन पर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं जल्दी आपको टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स कितने प्रकार के होते हैं उस पर मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा, सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। तो मैं समझता हूँ इसमें सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर सर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं सर मेरे को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि आपका जल्दी एंट्रेंस एग्ज़ाम आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।